हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लेग कटर कैसे डाल सकते हैं। तो लेग कटर को डालना बहुत आसान है, तो जिससे पहले मैं आपको बताऊं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। तो अभी लेग कटर की ग्रिप बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, जैसे नॉर्मल सीम डिलीवरीज में होता है, अपने इंडेक्स फिंगर और अपने मिडिल फिंगर को सीम के ऊपर रखना है और थंब से उसको सपोर्ट करना है। अब मैं आपको बता दूं कि ये वाली लेग कटर हल्की सी स्लो जाएगी और ये स्पिनर की डिलीवरी नहीं होती, ये एक सीमर की डिलीवरी होती है, पर ये कटती वैसी है जैसे स्पिनर की कटती है, बट स्पीड से जाती है। ये पिच करती है आपके लेग स्टंप पे, वहाँ से कट के ऑफ स्टंप की ओर जाती है, तो चांसेस है कि बैट्समैन इस पर आउट हो जाए। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसको रिलीज़ कैसे करेंगे। तो इसको रिलीज़ करने का क्या तरीका है, आपने वैसे अपनी ग्रिप ले ली, तो जब आप रिलीज़ करेंगे अपने हाथ को इस तरीके से घुमाइएगा, देखिए इस तरीके से बॉल को हम इस तरीके से घुमाएंगे, जैसे हम लेग स्पिन में घुमाते हैं ना, वो ऐसे करके घुमाते हैं, लेकिन इस पर हम लोग ऐसे करके घुमाएंगे बॉल को, अपना हाथ को टेढ़ा नहीं करेंगे, बस ऐसे करके बॉल को घुमा देंगे हल्का हल्का। तो अब मैं बॉलिंग करूँगा, आप लोग पहले मेरा रिलीज पॉइंट देखना, फिर उसका बॉल का इम्पैक्ट देखना और देखना बॉल कितनी कटेगी। देखिए हल्की सी कटी, तो ऐसे ही बॉल आपके लेग स्पिन में कटती है। तो होप आप लोग समझ गए होंगे, अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।